हेलो स्टूडेंट्स सो दिस इज विभा पारेक एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट ऑफ सरफेस केमिस्ट्री जैसा कि आपको पता है सरफेस केमिस्ट्री हम पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं मेरी तरफ से आपकी तरफ से भी जरूर आप लोगों ने एक बार पढ़ लिया होगा इसके नोट्स जरूर प्रिपेयर कर लिए होंगे साथ में जो चैप्टर समरी हमने डिस्कस की थी वो जरूर आपने कवर कर ली होगी ओके सो आफ्टर दैट नाउ लेट एस सी कि किस तरह के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं एग्जाम्स के अंदर और किस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीआरटी में आपके साथ गिवन है और वैसे तो हालांकि पूरा का पूरा चैप्टर थल

We have of course completed all these topics and today we will be seeing the last part of this. दिस चैप्टर विच विल बी द क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन ऑफ द एनसीआर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सो लेटस फर्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विदीसीआर टी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज मैं आपको फटाफट फटाफट फड़, क्योंकि सारे के सारे थियोरटिकल क्वेश्चन हैं तो मैं आपको सिंपली यहाँ पे आइडिया दूंगी हर एक एक का प्रॉपर आंसर लिख के नहीं दूंगी बिकॉज यू आर ऑब्वियसली ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स हो तो काफी बड़े हो आप लोग तो आपको जस्ट एक मैं आइडिया दूंगी कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूड करने चाहिए राइट right? ओके okay. सो वाई डज वाई डज फिजिज ऑप्शन डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ठीक है टेम्परेचर इंक्रीज करने से फिजिज ऑप्शन डिक्रीज़ क्यों होता है बिकॉज जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो तो कहीं ना कहीं आप काइनेटिक एनर्जी किसकी गैस की भी इंक्रीज कर देते हो और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी गैसेस की इंक्रीज करेंगे तो उनकी रैंडमनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी ठीक है और जैसे ही उनकी रैंडमनेस बढ़ेगी तो वो क्या करना चाहेंगे एडजॉर्प्शन को डिक्रीज हो जाएगा है ना एडजॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा या फिर आप कह सकते हो कि डिजॉर्प्शन 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 क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा ठीक है यानी कि जो गैशियस पार्टिकल्स जो कि सरफेस पे प्रेजेंट हैं, अब वो दूर दूर भागना चाहेंगे वो रिमूव होना चाहेंगे वहां से निकलना चाहेंगे ठीक है वाई आर पाउडर सब्सटेंसेज मोर इफेक्टिव एज देन देयर क्रिस्टलाइन फॉर्म्स तो, तो देखो हमें पता है कि कोई भी जो सब्सटेंस होता है सब्सटेंस की जो पाउडर्ड फॉर्म होती है ठीक है जो उसकी पाउडर्ड फॉर्म होती है उस पाउडर्ड फॉर्म का सरफेस एरिया कैसा होता है ज्यादा होता है डिस्कस किया था हमने मैंने आपको डायग्राम से भी बताया था तो सरफेस एरिया उसका क्या होगा ज्यादा होगा अब जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एक्सपोज्ड सरफेस एक्सपोज्ड सरफेस भी ज्यादा होगा

ठीक है सो इन हेबर्स प्रोसेस हाइड्रोजन इज ओपटेन बाय रिएक्टिंग मीथेन विद स्टीम इन प्रेजेंस ऑफ निकल ऑक्साइड एज द के कैटलिस्ट ठीक है आपको बता रहे हैं कि अगर आपको क्या हाइड्रोजन को ओपटेन करना है सो फॉर दैट वॉट यू डू इज रिएक्टिंग मीथेन विद स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ निकल ऑक्साइड एज द कैटलिस्ट ठीक है ये इन्होंने आपको दे रखी है प्रोसेस इज नोन एज स्टीम रिफॉर्मिंग हम किसके लिए करते हैं हाइड्रोजन को करने के लिए, जिसको हम बाद में यूज करेंगे ammonia preparation के लिए प्रोसेस में. So why is it necessary to remove CO पूरे सीओ में क्या होता है ना एज ए प्रोडक्ट ये CO जो है ये आपका एक पॉइजन की तरह काम करता है फॉर फॉर द हेबर्स प्रोसेस ठीक है हेबर्स प्रोसेस अब जब यह पॉइजन की तरह काम करेगा तो यह क्या करेगा हेबर्स प्रोसेस के होने को उसके रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देगा ठीक है सो दिस डिक्रीज दिस डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इसके लिए दिस इज रिक्वायर्ड टू रिमूव रिमूव CO. जैसे जैसे ओ बनता जाए वैसे वैसे सीओ को रिमूव करते जाओ इट्स इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट एक्ट्स लाइक अ पॉइजन फॉर द दस प्रोसेस तो कुल मिला के हमारा तो अमोनिया फिर बहुत ही कम बनेगा दैट वी डोंट वॉन्ट इसलिए हमें सी को लगातार रिमूव करते रहना होता है ठीक है सो वाई इज इट द और हमें जैसे कि मैं आपको पता ही ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस कर रखा है कई बार कि हेबर्स प्रोसेस में एफ और एमओ जो है वो यूज में लिया जाता है सो एफ इज द कैटलिस्ट और अगर हम बात करें मोलिप की सो दिस इज वॉट दिस इज एक्टिंग लाइक अ प्रोमोटर हालांकि ये हे, प्रॉपरली हेबर्स प्रोसेस की बात नहीं हो रही है प्रोसेस के लिए जो हाइड्रोजन आप ऑप्टेन करते हो ना उसके रिएक्शन की बात कर रहे हैं ठीक है ठीके? ओके जब आप मीथेन को स्टीम से रिएक्ट कराते हो निकल ऑक्साइड के प्रेजेंस में तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है ना वहां पे यह उस प्रोसेस की बात हो रही है सो व्हाई इज इट एस्टर हाइड्रोलिसिस स्लो इन दिग्निंग एंड बिकम बिल्कुल उसका एस्टर का हाइड्रोलिसिस है ना वो शुरुआत में तो थोड़ा स्लो होता है तो एक्चुअली आपको एस्टर का उसके लिए कैटेलिस्ट जो यूज होता है वो कौन सा कैटलिस्ट होता है? ना? पता है ना हम एसिडिक मीडियम में कराते हैं इस रिएक्शन को एसिड की प्रेजेंस में तो एसिड आपका कौन हो गया कोई भी एच प्लस आयन देने वाला प्रोटोन डोनर है ना तो शुरू शुरू में जब एस्टर का हाइड्रोलिसिस होता है तो उस टाइम पे H+ के इतने ज्यादा नहीं होते तो जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता रहता है H+ प्लस भी और ज्यादा आयनाइज होते रहते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है है जब अच्छा खासा अमाउंट जो है H का प्रेजेंट होता है तो उस टाइम पे बिकॉज दिस एक्ट लाइकिस्ट ये ही क्या हो रहा है यहाँ पे सेल्फ आयनाइजेशन होता है और ये एक ऑटो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है जो कि जिसकी कॉन्सेंट्रेशन शुरुआत में उतनी ज्यादा नहीं थी धीरे धीरे रिएक्शन की प्रोग्रेस के टाइम पे ये कॉन्सेंट्रे इंक्रीजन बढ़ती है इस वजह से हम देखते हैं कि बाद में जो रिएक्शन की स्पीड है वो ज्यादा जल्दी हमें देखने को मिलती है सो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इंक्रीज आफ्टर आफ्टर सम टाइम ठीक है थोड़ा टाइम गुजरने के बाद में यू विल सी कि H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है जो कि कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है इन दिस प्रोसेस सो दैट्स व्हाई एस्टर हाइड्रोलाइसिस इंक्रीज आफ्टर सम टाइम ठीक है ओके, इज द रोल ऑफ डिजॉप्शन इन द प्रोसेस ऑफ कैटेलिस की जब हमने बात की थी तो हमने कुछ स्टेप्स देखे थे है ना? कुछ पांच या छह स्टेप्स देखे थे हमने. First, याद करो कौन डिफ्यूजन था सेकेंड uh, हमने क्या देखा था एड्सॉप्शन तीसरा हमने देखा था रिएक्शन चौथा हमने देखा था डिजॉप्शन और फिफ्थ हमने देखा था अगेन डिफ्यूजन ये कुछ स्टेप्स हमने देखे थे याद करो फिर इसको मैंने आपको याद करने के लिए कहा था कि आप इसको ऐसे याद कर सकते हो डी ए आर डी डी ठीक है तो इससे आपको याद आ जाएगा तो ये पूछ रहे हैं कि इसमें ये जो डिजॉप्शन प्रोसेस है इसका क्या रिक्वायरमेंट है देखो अगर डिजॉप्शन नहीं होगा कुल मिला के ठीक है कैटलिस्ट पे रिएक्शन हो गया सब कुछ हो गया ये फाइनल स्टेज है आपकी Desoption से पहले की ठीक है तो यहाँ पे क्या है ए और बी के बीच के बॉन्ड्स भी बन गए आपके catalyst के साथ में भी इसका बॉन्ड बना हुआ है ये कौन है catalyst है कुछ टाइम बाद में आप देखोगे कि ए और बी के बीच के बॉन्ड्स जो हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे कुल मिला हम कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट बनने का कुछ कुछ पिक्चर हमें नजर आ रहा है और यहाँ पे थोड़ी सी वीक बॉन्डिंग होगी अब यहां से ए और बी अगर जाएंगे तभी तो कैटलिस्ट का सरफेस जो है वो फिर से फ्री होगा हाँ ना तभी तो कैटेलिस्ट का सरफेस फिर से फ्री होगा फॉर अगेन ए एंड बीबी मॉलिक्यूल्स के लिए है हाँ ना तो ये प्रोसेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है तभी तो हम कैटलिस्ट के लिए अगर एक ही बार में पूरा कैटलिस्ट जो है वो उसी को ही लेकर बैठ गया तो ना तो आपके हाथ में प्रोडक्ट आया ना आपके हाथ में फ्री कैटलिस्ट आया तो आपको कैटलिस्ट भी फिर इक्विवेलेंट अमाउंट में डालना पड़ेगा सो डिजॉर्प्शन प्रोसेस इज रिक्वायर्ड सो दैटलिस्ट हम मिनिमम क्वान्टिटी

ठीक है इसी को आप फ्लॉक्यूलेटिंग आयन भी इसी को हम क्या कहते हैं को एग्यूलेटिंग अलग अलग नाम है देखो को एग्युलेटिंग आयन भी कह सकते हो फ्लॉक्यूलेटिंग आयन भी कह सकते फ्लॉक्यूलेटिंग आयन भी कह सकते हो तो ये हमें यूज करना होता है अब को आयन, आयन मतलब एफिशिएंटली इस काम को कर सकता है हम कैसे बताएंगे तो इस हार्डी लॉ ने ये कहा था कि वो फ्लॉक्टिंग आयन जिसकी की वैलेंसी ज्यादा होती है जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा होता है उसका फ्लॉक्टिंग पावर भी ज्यादा होता है ठीक है और दूसरे वे में हम कह सकते हैं उसकी फ्लॉक्युलेटिंग वैल्यू कम होती है पर इतनी बात किसने बोली थी हार्ड स्कولز लॉ ने की थी इसने हालांकि चार्ज को तो कंसीडर किया अब हम क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि आप इसके अंदर तो क्या मॉडिफिकेशन सजेस्ट कर सकते हो देखो इसने क्या किया था ना इसने चार्ज को तो कंसीडर किया चार्ज को कंसीडर किया लेकिन इसने आयन की साइज को वाज नॉट कंसीडर्ड वॉज नॉट कंसिडर्ड तो देखो यार जितना चार्ज इंपॉर्टेंट है ना उतनी ही फ्लक्कुलेटिंग आइन की साइज भी इंपॉर्टेंट होती है तो हमें इसको भी इंक्लूड करना चाहिए अब हम साइज को इंक्लूड करते हैं और चार्ज को छोड़ दें तो भी गलत हो जाएगा तो इन दोनों को ही आपस में मिला के हम क्या पोलराइजिंग पावर के टर्म्स में नहीं बोल सकते हैं पोलराइजिंग पावर यानी कि हम ये कह दें कि वो फ्लॉक्यूलेटिंग आयन जिसकी की पोलराइजिंग पावर ज्यादा है वो फ्लॉक्यूलेटिंग आयन जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है पोलराइजिंग पावर कब ज्यादा होती है जब जब चार्ज ज्यादा होता है तब भी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है और अगर साइज कम हो जाए तो भी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है तो फ्लॉक्युलेटिंग आयन जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी उसकी फ्लॉक्युलेटिंग पावर भी ज्यादा होगी तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को जो इन्होंने ये बोला है इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम पोलराइजिंग पावर के टर्म्स में कहें तो ये एक बेटर रूल uh, बन सकता है ठीक है

इस पीपीटी की आई तो इसके लिए कह रहे हैं कि इस पीपीटी को क्वांटिटेटिवली टेस्ट करने से पहले आपको इसको वॉश प्रॉपर्ली करना चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी के ऊपर इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो बैठे होते हैं ठीक है ये हम लोगों ने देखा था ना पेप्टाइजेशन प्रोसेस में ये वही तो चीज है पेप्टाइजेशन में हम लोगों ने देखा था याद करो तो जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी है आपका उसके ऊपर कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट्स बैठे होंगे तो जब आप उसको क्वांटिटेटिव उसका एस्टिमेशन करोगे तो इलेक्ट्रोलाइट्स का भी तो चार्ज मतलब इलेक्ट्रोलाइट का भी कुछ मास तो होगा तो जो भी आपके पास में रीडिंग आएगी उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट का भी मास प्रेजेंट हो सकता है तो आपका एस्टिमेशन गलत हो जाएगा इस वजह से हम कहते हैं कि इसको प्रॉपरली वॉश करना चाहिए ताकि ये जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो आपके रिमूव हो जाएं सारे के सारे आपके इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो रिमूव हो जाएं और सिंपली आपके पास जो मास आए वो किसका है इस पर्टिकुलर पीपीटी का आए ना कि इलेक्ट्रोलाइट्स का ठीक है तो मैं इसको हटा देती हूँ ना कि इलेक्ट्रोलाइट्स का इसलिए ये वॉश करने के लिए कहा जाता है सो नाउ डिस्टिंग बिटवीन द मीनिंग ऑफ द टर्म्स एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन देखो एड्सॉप्शन क्या होता है एब्जॉपशन पहली बात तो हमें पता है दैट दिस इज अ सरफेस फिनोमिना फिनोमिना ठीक है जबकि एब्जॉर्प्शन की बात करें एब्जॉर्प्शन की बात करें सो दिस इज वॉट दिस इज अ बल्क फिनोमिना ठीक है और भी एग्जाम्पल्स या दो और भी अगर डिफरेंसेस आपको बताने हो तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था याद करो तो आप उन डिस्क, उन पॉइंट्स को भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखो इसका एग्जाम्पल कौन हो सकता है एडजॉर्प्शन का तो सिलिका जेल है ना अगर वॉटर हो यानी कि मॉइस्चर हो और मैं वहां पर सिलिका जेल रख दू SiO2 रख दू तो ये इसका एड्जॉप्शन हो जाएगा सिलिका की बॉल्स के ऊपर अगर एब्जॉर्प्शन कराना है तो वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए मैं एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड रख सकती हूं या मैग्नीशियम क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं ठीक है ठीके? तो ये एग्जाम्पल भी दे दिया और एक डिफरेंस भी बता दिया वट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एब्जॉपन एंड केमिज ऑप्शन ठीक है तो फिजीज ऑप्शन इसमें आप दो दो तीन तीन इनके एग्जाम्पल्स और कुछ पॉइंट्स दे दो ठीक है तो देखते हैं सारे पॉइंट्स तो मैं डिस्कस नहीं करूंगी आपके साथ क्योंकि ऑलरेडी हम काफी अच्छे से इनको डिटेल्स में देख चुके हैं बट हाँ एक एक दो पॉइंट्स आपको बता देती हूँ जैसे कि ये क्या है यहाँ पे वीक वीक वेंडर वॉल फोर्सेस होते हैं जबकि यहाँ पे स्ट्रोंग कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है क्लियर है उसके अलावा आप कौन सा पॉइंट बता सकते हो कि रिएक्शन तो ये भी एक्सोथर्मिक होती है वो भी एक्सोथर्मिक होती है पर इनके जो डेल्टा एच है वो नेगेटिव होता है पर लो होता है ठीक है ज्यादा नहीं होता ट्वेंटी टू फोर्टी किलो जूल पर मोल एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है जबकि डेल्टा एच यहाँ पे भी नेगेटिव होता है यानी कि रिएक्शन तो यहाँ पे भी एक्सोथर्मिक है पर जो वैल्यू है वो इनकी हाई होती है लगभग 80 से 240 किलो जूल पर मोल के आसपास एनर्जी जो है वो रिलीज होती है जबकि यहां पे कितनी है ट्वेंटी टू फोर्टी बहुत कम है किलो जूल पर मोल ठीक है ऐसे ही दो तीन पॉइंट्स और भी आप लिख सकते हो टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो फिजिज ऑप्शन जो होता है वो डिक्रीज होता है बट इसमें अगर आप देखो तो इनिशियली हमने क्या देखा था अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो कैमिज ऑप्शन इंक्रीज होगा लेटर इंक्र लेटर हम देखते हैं कि टेमपरेचर को इंक्रीज करने से कैमिजॉप डिक्रीज होता है ठीक है इस तरह से आप एक इसमें एक्साम्पल भी लिख सकते हो और भी बहुत सारे थे जो कि हमने डिस्कस किए थे उनमें से कोई भी लिख दो इज एन देखा था कि कितना एड्जॉप्शन होता है विथ वेरिंग प्रेशर मतलब प्रेशर को चेंज करने से कितना एड्सॉप्शन होता है एट एट डेल्टा टी यानी कि एट जब हमने टेम्परेचर क्या कर रखा है डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो ठीक है इसको शो करता है आपका एड्सॉप्शन तो तो फेजेस में एक्चुअली बताया था दो फेजेस में बताया था तीसरी तो अपने आप ही बन जाती है जिसमें कि एक है आपका लो प्रेशर एक है आपका हाई प्रेशर और तीसरा कौन सा हो गया आपका इंटरमीडिएट प्रेशर ठीक है ये हमने देखा था और ग्राफ जो है वो मैं आपको डायरेक्टली ग्राफ बता देती हूँ वहां पे कैसे अचीव करना है वो आप वहां तक पहुंच सकते हो ठीक है यहाँ पे y एक्स पे मैंने एक्स बायम को ले लिया और यहाँ पे मैंने प्रेशर को ले लिया इन्होंने जो इक्वेशन दी थी वो इक्वेशन आपकी कुछ इस तरह से है इक्वल टू के पी टू दावर वन बाय एन ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट इसी को लॉग के टर्म्स में लिखेंगे सो दिस इज लॉग ऑफ एक्स बाय इज इक्वल टू लॉग ऑफ के प्लस वन बाय एन ऑफ लॉग ऑफ पी यही देखा था हमने ठीक है तो एक बार वन बाई एन की वैल्यू अगर जीरो हो वन बाय की वैल्यू वन हो तो हम लोग देखते थे कि ग्राफ हमारा कुछ किस तरह से आ रहा था कुछ इस तरह से ठीक है जिसमें कि इसको मैं तीन पार्ट में अगर डिवाइड कर दू तो कुछ ये मेरे को एक कॉन्स्टेंट फेस सी दिख रही है इसके आगे ये मुझे कुछ लीनियर सी फेस दिख रही है तो यहां पे जब वन बाय एन की वैल्यू क्या थी वन थी तब एक लीनियर ग्राफ आपको मिलेगा जब वन बाय एन की वैल्यू इक्वल टू जीरो है तब आपको कांस्टेंट मिलेगा और इस बीच में वन बाय एन इज ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन तब आपको ये वाला ग्राफ मिलेगा ठीक है तो इन तीनों को मिला के इन्होंने कुछ ऐसा दिया था मिक ये हमेशा ही एक्जोथमिक क्यों होता है यानी कि डेल्टा एच जो है वो हमेशा ही नेगेटिव क्यों होता है चाहे हम फिजिक ऑप्शन की बात करें चाहे कैमिज ऑप्शन की बात करें सो द रीजन इज कि यहां पर क्या हो रहा है नए बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं है ना आप इसको यहां से भी देख सकते हो डेल्टा एच इज इक्वल टू तो डेल्टा सॉरी डेल्टा जी इज इक्वल टू तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस यही होता है ठीक है अब ऐसे में क्या हुआ कि हमें डेल्टा जी जो है वो तो क्या रखना है स्पॉन्टेनियस तो स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि डेल्टा जी तो आपका होगा नेगेटिव ठीक है ये अगर आपको नेगेटिव रखना है और डेल्टा एस आपको ऑब्वियसली इस पूरे प्रोसेस में नेगेटिव वैसे भी होता ही है टेम्परेचर आपका लो रहता है तो ऐसे में डेल्टा एच विल बी नेगेटिव और वैसे भी हम अगर थ्योरिटिकली बात करें तो यहां पे क्या होता है बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं चाहे बॉन्ड वीक हो चाहे वीक भी होंगे तो फिजिक्स ऑप्शन होगा फिजिक्स ऑप्शन अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो क्या होगा ऑप्शन होगा चाहे कुछ भी हो लेकिन नए बॉन्ड्स तो बनी रहे है ना तो डेल्टा एच तो आपका नेगेटिव है चाहे फिर वैल्यू लो हो चाहे फिर वैल्यू बहुत हाई हो जैसे केमिज ऑप्शन के केस में हमने देखा था डेल्टा जी डेल्टा एच नेगेटिव भी होता था और बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती थी यहां पे इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी ठीक है डिस्क्राइब सम फीचर्स ऑफ by geolites. देखो पहली बात तो geolites की अगर हम बात करें तो so, these आर शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं ये शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं ठीक है इनका जो नेटवर्क है वो कैसा होता है हनी कॉम्ब हनी कॉम्ब लाइक थ्री डी नेटवर्क होता है ठीक है और अगर हम बात करें बॉन्डिंग कैसी होती है तो ए एल ओ एस आई मतलब एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं ये बेसिकली आपके है ना तो इस तरह की बॉन्डिंग आपको यहां पे मिलेगी एल्यूमिनो सिलिकेट्स ठीक है और अगर हम पूछें और क्या चीज है तो इनका जो मेकेनिज्म है या जो रिएक्शन है दैट इज स्पेसिफिक स्पेसिफिक फॉर फॉर दी reactants and products based based on its pure uh, sorry poor पोर साइज के ऊपर डिपेंड करता है ठीक है एग्जाम्पल की बात करें सो जेड एस एम फाइव जो है एक ऐसा इसी का फॉर्म है जिसको कि इंडस्ट्रियली काफी ज्यादा यूज किया जाता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में ठीक है तो ये इतने पॉइंट्स लिखना काफी होगा चाहे तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बना दो तो वो और भी अच्छी बात है मतलब बनाना चाहिए है ना जैसे कि इस तरह का स्ट्रक्चर जो मैंने आपको दिखाया अभी था क्लास में इसी तरह से कहीं कहीं पे सिलिकॉन की जगह पे एल्यूमिनियम को रख दो फिर यहाँ पे इसी तरह से जैसे मान लो फिर से एलुमिनियम आ गया तो इस तरह से कहीं कहीं पे आपको ऐसे चेंजेस करने हैं ठीक है थीके? इस तरह का स्ट्रक्चर नीचे भी बिल्कुल इसी तरह से थ्री डायमेंशनल बनाना है हाउ आर द कोलाइडल कोलॉइडल क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ द डिस्पोज फेज एंड डिस्पोजन मीडियम ठीक है इसको मैं बताने की भी फिलहाल जरूरत नहीं है लेकिन वो जितने भी हम लोगों ने देखे थे ना कि अगर मान लो ये आपका डिस्पोज फेज है और आपका सॉरी जैसे डिस्पर्जन मीडियम की बात कर लेते हैं अगर ये डिस्पर्जन मीडियम है तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है डिस्पोज फेस की कौन कौन सी पॉसिबिलिटी तो हमने देखा था सॉलिड का डिस्पोज फेस भी सॉलिड हो ये लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है इस बेसिस पे हमने तीन देखे थे क्लासीफिकेशन इसी तरह से डिस्पर्जन मीडियम अगर आपका लिक्विड होता है तो भी पॉसिबिलिटी है सॉलिड लिक्विड या गैस आपका डिस्पोज फेस हो अगर ये गैस होता है सो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो तो टोटल हमने इस तरह से आठ डिफरेंट टाइप्स देखे थे बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम तो उनके नाम और वो सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो सिंपली आपको बस थोड़ा सा याद करना है अलॉन्ग विद एटलीस्ट वन एग्जाम्पल्स जिसमें याद करो हमने कौन कौन से देखे थे सॉलिड सोल्स देखे थे ठीक है ना? और सोल की बात की थी हमने एरोसोल्स को देखा था इमल्शंस को देखा था और फोम को देखा था ठीक है तो ये कुछ कुछ हमने जेल को देखा था तो ये कुछ कुछ हमने एग्जाम्पल्स देखे थे तो, तो बस उसी की बात हो रही है उसी टेबल की बात हो रही है उसी का ही आ, वो एक टेबल एटलीस्ट यहां पे आपको मैंशन करनी है बस इतनी सी बात है ठीक है वॉट आर द लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल्स गिव वन एग्जाम्पल इन ईच देखो लायोफिलिक की अगर बात करें लायोफिलिक सोल्स की ठीक है और दूसरी जगह लायोफोबिक सोल्स की तो इनके बीच में आपको क्या बताने, है? आपको बताने है हैं वॉट आर ठीक है आपको सिंपली हालांकि आपको मेंशन नहीं करने की जरूरत है क्योंकि आपसे जानना भी नहीं चाहते इतना तो उनको मान के चल रहे हैं कि आपको ये पता होगा अब देखो लायोफिलिक कोलॉइड जो होते हैं ना उसमें मीडियम के बीच में अच्छी एफिनिटी होती है जबकि यहां पे डिस्पोर्ज फेज और डिस्पोर्जन की मीडियम के बीच में नो no एफिनिटी अगर होती भी है तो बहुत कम एफिनिटी होगी या फिर ना के बराबर होगी ठीक है पहला पॉइंट तो ये हो गया दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो स्टेबिलिटी के बारे में तो ये जो होते हैं ये स्टेबल होते हैं जबकि ये अनस्टेबल होते हैं तो इनके साथ में हमें इनको स्टेबल बनाए रखने के लिए स्टेबिलाईजिंग एजेंट्स डालने पड़ते हैं स्टेबिलाईजिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ती है और इसी वजह से हम कहेंगे कि ये आपके रिवर्सिबल होते हैं ठीक है चीके? मतलब कि वापस से वापस से एफिनिटी होने की वजह से वापस से आके एक, एक स्टेबल कोलाइडल सोल्यूशन बना देंगे जबकि इनकी अगर हम बात करें तो दीज आर इिवर्सिबल ठीक है तो ये आपके कुछ पॉइंट हो जाएंगे लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड्स के लिए क्लियर अब इनके एक एक एग्जाम्पल और दे दो बस और कुछ भी नहीं है So Write आर the राइट इन द ब्रीफ द enzyme catalysis. देखो enzymes आपके क्या होते हैं सो so, these आर बेसिकली proteins जो कि माइक्रोमोलिक्यूलर होते हैं बहुत ज्यादा इनका मास होता है बहुत बड़ी इनकी साइज होती है और ये क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस compounds होते हैं Nitrogenous, nitrogenous क्या है नाइट्रोजन कंटेनिंग compounds हैं. और ये करते क्या हैं? so these basically catalyze the biological reactions, catalyze the biological ठीक है हमारी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है उनको उनको काम करने का काम कौन करता है बेसिकली ये एंजाइम्स करते हैं ठीक है राइट इन ब्रीफ द मैकेनिज्म ऑफ द एंजाइम कैटेलिस ठीक है मैकेनिज्म अभी फिलहाल तो मैं ड्रॉ नहीं करूंगी बट क्योंकि हमने क्लास में तो दो तीन बार उसको करके देख लिया है मैकेनिज्म है कौन सा ये आपको बता देती हूँ लॉक एंड की मैकेनिज्म और हमेशा इसको आप ड्रॉ करके दिखाओ ज्यादा अच्छा रहेगा ठीक है रिएक्शन जरूर यहाँ पे हमें मेंशन करना चाहिए तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ में मिलके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है फिर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टूट के एंजाइम में और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है ठीक है तो ये इक्वेशन हमने देखी थी और ये जो एक ड्रॉइंग है वो जरूर आप एक बार बना लेना कोई टिपिकल नहीं है लेकिन हाँ बना लेते हैं तो क्या आंसर थोड़ा सुंदर दिखता है ठीक है सो हाउ डू इमल्सी फायर स्टेबिलाईज द इमल्शन इमलसी फायर क्या करते हैं बेसिकली जो इमलशंस हैं ये आपके होते हैं हिट्रोजिनस ये आपके हिट्रोजिनस मिक्सचर्स होते हैं ठीक है हिट्रोजिनस मिक्सचर्स होते हैं किसके ये होते हैं लिक्विड इन लिक्विड के ठीक है ये दोनों जो लिक्विड्स होते हैं ना ये आपस में या तो इमिसेबल होते हैं या फिर अगर मिसिबल हैं भी तो पार्शियली मिसिबल होते हैं इसका मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के साथ में नहीं रहना चाहते ठीक है तो ताकि ये ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के साथ में डिस्पर्स हो सके ताकि कि किसके लिए ताकि जो डिस्पोर्स फेज है इज मोर मोर डिस्पर्स डिस्पर्स इन डिस्पोर्जन मीडियम ऐसा हो सके सो फॉर दिस फॉर दिस हम क्या करते हैं उसमें इमलसी फायर इमल एड करते हैं ठीक है ये होता है पूरा बेसिक फंडा अब इमलसी को एड करने से होगा क्या तो एक्चुअली इमलसी क्या करते हैं सो दे फॉर्म अम अंटरफेशियल इंटरफेशल एक ये फिल्म बना देते हैं बिटवीन सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो कि किसके होंगे डिस्पर्स फेस के सस्पेंडेड पार्टिकल्स डिस्पोर्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम के, के. ठीक है तो ये होता है बेसिक आइडिया नेम टू इमल्सिफायर्स तो देखो वो भी हमने यहां बात की थी जैसे अगर मिल्क के केस में हम बात करें तो केसिन प्रोटीन जो है केसिन है ना केसिन प्रोटीन इज एन एग्जाम्पल इसी तरह से जो आपका सोप होता है वो भी एक इमल्सिफायर की तरह एक्ट करता है अगर हम बात करें क्लिंजिंग प्रोसेस के दौरान जब माइसल फॉर्मेशन होता है तो उसमें ग्रीस और वाटर के बीच में ठीक है तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो कि एनसीईआरटी से लिए गए थे नाउ लेट अस डिस्कस सम सम ऑफ द प्रीवियसली प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस इन ऑफ द सीबीएसई सीबीएसनेशन सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैपेंस व्हेन फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड इज शेकन विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एफल सोल्यूशन देखो क्या होता है अगर फेरिक हाइड्रोक्साइड है ठीक है मान लेते हैं कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का क्या है कोलॉइड है तो हम जानते हैं कि जैसे हम उसको एफ के साथ में क्या करेंगे शेक करेंगे तो जो भी इनका कॉमन आयन है वो कॉमन

कि जो इक्कोलॉइड है उसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट था वो न्यूट्रलाइज हो चुका है तो इसका मतलब अब कोई ब्राउनियन मूवमेंट वाली बात ही नहीं है तो पार्टिकल्स चुपचाप नीचे आके बैठ जाएंगे ड्यू टू तो देर हैवी मासेस, और इसी प्रोसेस को तो हम कोएगुलेशन कहते हैं ठीक है फिर है नेक्स्ट एन इमल्शन इज सेंट्रीफ्यूज अगर आप इमल्शन को क्या करोगे सेंट्रीफ्यूज कर दोगे तो अगेन आप कर क्या रहे हो आप दोनों लिक्विड्स को अलग अलग कर रहे हो है ना जो इमल्शन दो लिक्विड से मिलकर बना होता है तो व्हाट वी आर डूइंग इज दैट वी आर सेपरेटिंग सेपरेटिंग द लिक्विड्स हम क्या कर रहे हैं जो दो लिक्विड्स हैं हम उनको एक दूसरे से सेपरेट कर रहे हैं और ऐसे में जो आपका इमल्शन है इमल्शन है वो क्या हो जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा है ना इमल्शन अनस्टेबल हो जाएगा तो बेसिकली कहा वो कोलाइड नहीं रहेगा विल नॉट बी द कोलाइड एनी मोर वोंट बी कोलाइड अब वो कोई कोलाइडल सल्यूशन नहीं रहेगा ज्यादा टाइम तक ठीक है ओके देन वट टाइप ऑफ कोलॉइड इज फॉर्म सॉलिड इज डिस्पोज इन लिक्विड विद इन एग्जाम्पल देखो आप क्या कर रहे हो आप एक कोलॉइड बनाना चाह रहे हो जिस कोलाइड के अंदर आपका डिस्पोज फेस कौन है और डिस्पोजन मीडियम कौन है डिस्पोज फेस इन्होंने कहा है, अ सॉलिड इज डिस्पोज है ना इसका मतलब ये तो है सॉलिड और डिस्पोर्जन मीडियम कौन है सो दैट इज लिक्विड तो इस तरह के जो आपके कोलोइड हैं उनको हमने एक स्पेशल नाम दिया था एंड दैट वॉज सॉल है ना सॉलिड इन लिक्विड हम कहते थे ना सोल्ट sol. तो सॉलिड इन लिक्विड ही तो है ही सो गिव एन एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल इसका कौन सा हो जाएगा पेंट्स मैंने आपको बताया भी था इसको अच्छे से समझाया भी था तो जो आपके पेंट्स होते हैं जो घर पे हम यूज करते हैं सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दिस दॉल ओके नाउ राइट वन डिफरेंस बिटवीन ईच मल्टी मोलिकुलर कोलाइड एंड एसोसिएटेड कोलाइड्स देखो मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स तो तब बनते थे जब हम

हाई कॉन्सेंट्रेशन पर ही ये आस, वन से नैनोमीटर की रेंज में फॉल करते थे इनको हम बोलते थे एसोसिएटेड कोलॉइड्स और इनको हम बोलते थे मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड ओके तो ये आई थिंक आपको याद आ गया होगा सो नाउ अनदर वन को एगोलेशन और प्रेसिपिटेशन में क्या फर्क होता है

दूसरी तरफ अगर हम पेप्टाइजेशन की बात करें तो उसके अंदर सिर्फ उतना ही इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलाइट होता है जितने अमाउंट में हमें नीड है यानी कि यहां पर कोलाइड तो होगा लेकिन इलेक्ट्रोलाइट सिर्फ एक रेक्विट अमाउंट में होगा रेक्विसिट इलेक्ट्रोलाइट रेक्विसेट, रेक्विसेट अमाउंट में ठीक है तो इसमें जो होगा उसको हम कहते हैं पेप्टाइजेशन क्लियर देन थर्ड अगर हम बात करें होमोजेनस एंड हिट्रोजेनस मिक्सचर्स की देखो होमोजेनस मिक्सचर्स आपके वो होते थे जिसके अंदर रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट सेम होती थी जब डिफरेंट हो जाएगी तो हिट्रोजेनस हो जाएगा तो आपका फिजिकल स्टेट के बेसिस पे अगर फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट की इज इक्वल टू दैट ऑफ कैटलिस्ट तो उसको हम बोलते थे होमोजेनस अगर वहीं पे फिजिकल स्टेट जो है वो रिएक्टेंट की इज नॉट इक्वल टू ज नॉट इक्वल टू कैटलिस्ट तब हम उसे क्या कह देंगे इसको हालांकि आपको सबको स्टेटमेंट में लिखना है मैं तो बस ऐसे ही लिख रही हूं आपको समझाने के हिसाब से बट आपको हमेशा इसको स्टेटमेंट फॉर्म में ही लिखना चाहिए ठीक है ओके सो राइट द रीजन ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ अ कोलाइडल सोल्यूशन जो आपके कोलाइडल सोल्स होते हैं सोल्यूशन होते हैं वो स्टेबल क्यों होते हैं ठीक है तो हमें पता है कि जो कोलाइडल सोल्स हैं इसको तो मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया था कि जो आपके कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं या कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं पार्टिकल्स लिख देते हैं हम है ना ज्यादा बेटर है तो कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं वो बेसिकली चार्ज्ड होते हैं और चार्ज्ड भी कैसे सेम चार्जेस में ही सब प्रेजेंट होंगे तो इन चार्जेस की वजह से क्या होता है कि वो ब्राउनियन मूवमेंट में रहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट में रहते हैं और इसी ब्राउनियन मूवमेंट की वजह से दे नेवर नेवर सेटल डाउन और इसी को तो हम कहते हैं इसी को ही तो हम कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कि अगर चार्जेस को खत्म कर दिया जाए तो ब्राउनियन मूवमेंट अपने आप खत्म पर वो स्टेबल क्यों तक चार्जेस हैं तब तक ब्राउनियन मूवमेंट है तब तक वो सेटल नहीं होंगे और कोलाइड स्टेबल रहेगा ठीक okay. so है तो इसको आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना है तो इसमें क्या था ऑयल इन वॉटर के अंदर डिस्पर्स फेस इज ऑयल और डिस्पर्ज मीडियम इज वॉटर मतलब जो ज्यादा क्वांटिटी में है वो पानी है और जो कम क्वांटिटी में है वो ऑयल है एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर मिल्क होता है और अगर इसके अंदर इमलसीफायर हम कौन सा यूज करते हैं तो याद करो हम कौन सा इमल्सिफायर यूज करते थे केज प्रोटीन केज प्रोटीन ठीक है और ये हिट्रोजिनस मिक्सचर होगा ये सब बातें तो आप लिख ही सकते हो ठीक है और इसके लिए मल्सिफायर केजिन प्रोटीन होगा जो कि इसकी स्टेबिलिटी को बनाए रखेगा देन है जीटा पोटेंशियल जीटा पोटेंशियल क्या होता है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रेजेंट बिटवीन द डिफ्यूज लेयर डिफ्यूज लेयर एंड फिक्स्ड लेयर ऑफ कोलॉइड ठीक है कोलॉइड की वहां पे हमने देखा था ना ये कोलॉयड है तो पहले एक फिक्स लेयर होगी उसके बाद में एक डिफ्यूज लेयर होगी तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप हो जाता है उसी को हम कहते हैं जीटा पोटेंशियल देन द नेक्स्ट वन वी हैव इज द मैक्रो मोलिकुलर कोलॉइड्स कौन से होते हैं देखो मैक्रो मोलिकुलर नाम से समझ में आ रहा है कोलॉइड्स जो कि बहुत बड़े हैं साइज में यानी कि ऐसे कोलॉयड्स जो कि खुद ही इतने बड़े हों कि वो वन से थाउजेंड नैनोमीटर की रेंज में फॉल करते हों वो किसकी तरह बिहेव करेंगे कोलाइड्स की तरह बिहेव करेंगे एग्जाम्पल की, की अगर हम बात करें तो जो आपके प्रोटीन्स हैं गम हैं जिलेटिन है स्टार्च है, है, है ये जो इस तरह के नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स होते हैं ना आपके यही इसमें आ जाते हैं ठीक है Then we have the next question. Out of AlCl3, aluminium chloride and NaCl, which is more effective in causing the coagulation? देखो यार याद करो यहाँ पे यहाँ पे हमने बात की थी Hardy Schools rule की Schools spelling देख लेना शायद कहीं H भी आता है ठीक है Hardy Schools rule की इसमें उन्होंने ये कहा था कोई भी coagulating ion उसकी valency उसका charge जितना ज़्यादा होगा ठीक है charge जितना ज्यादा होगा फ्लॉक्यूलेटिंग फ्लॉक्यूलेटिंग पावर उतनी ज्यादा होगी ठीक है यही बोला था अब देखो AlCl3 में और NaCl में चार्ज किसका ज़्यादा है एल्यूमिनियम का ना एल्यूमिनियम का क्या होता है Al3+ होता है और NaCl का कितना होता है Na+ होता है इसका मतलब कि ज्यादा बेटर जो फ्लॉक्यूलेटिंग आयन है कोएगुलेशन है वो किसके थ्रू होगा एक नेगेटिव सोल का वो एल्यूमिनियम थ्री प्लस के थ्रू होगा ठीक है क्योंकि सोल हमें कौन सा दे रखा है सोल देखो नेगेटिव सोल है है ना सोल कैसा है नेगेटिव है तो ऐसे में ज्यादा फ्लॉक्यूलेशन कौन अच्छे से कर पाएगा ए एल थ्री प्लस और इसकी फ्लॉक्यूलेटिंग वैल्यू कम होगी पर फ्लॉक्यूलेटिंग पावर ज्यादा होगी ठीक है ओके सो इन दिस वे वी हैव डिस्कस मेनी ऑफ सच क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं इसी तरह के छोटे मोटे से क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से आएंगे एंड मोस्ट एक्सपेक्टेडली यहाँ से आपसे सिर्फ और सिर्फ थियोरिटिकल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और जैसे कि मैंने कहा अगर कोई आ भी जाता है गलती से भूले भटके कोई न्यूमेरिकल uh, पार्ट तो वो सिर्फ फ्रेंडली कैज्जॉप्शन आइजोटम से आएगा सिंपली उसी इक्वेशन को यूज करते हुए आएगा सो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो लगी ही गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से या फिर पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से सो आई थिंक दैट दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन सम वे सो वी विल मीट इन आर नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर जहां पर हम और कई सारे जो नए कॉन्सेप्ट हैं केमिस्ट्री के क्लास ट्वेल्थ सी बी एस सी के आपके इनको स्टडी करने की कोशिश करेंगे सो विद दिस टेक केयर ऑफ योर सेल्फ थैंक यू सो मच गुड बाय